नमस्कार, मैं क्रांति संभव न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसका नेशनल लेवल का असर भले ना दिखता हो, लेकिन इस राज्य की राजनीति में इंटरनेशनल लेवल की दिलचस्पी जरूर होती है। मौजूदा विधानसभा सत्र नवंबर में खत्म होने जा रहा है, जो सत्र पॉलिटिकल ड्रामा से भरा पूरा था, जहां दोस्ती टूटी, 17 साल पुराने संबंध का विच्छेद हुआ, खड़ाऊ किंग ने गद्दी छोड़ने से मना कर दिया और सत्र के आखिर तक लालू यादव ने उन नीतीश कुमार को अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर भी स्वीकार कर लिया जिन्होंने लालू के राज को बिहार में खत्म किया। नीतीश भी उन लालू के साथ हो लिए जिनके खिलाफ उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा रही है। बीजेपी अब अलग गठबंधन के साथ उसी चुनावी मैदान में उतरी है, जो केंद्र में उसके हाउसफुल सरकार बनने के लगभग 1.5 साल बाद ये चुनाव होंगे। ऐसे चुनाव में यानी बिहार की जनता नीतीश के सुशासन को तो टेस्ट करेगी ही, साथ में एनडीए के विकास के दावों को भी तोलेगी। और इन सब के बीच आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी नीतीश के पीछे होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी वगैरह एनडीए के साथ। और चूंकि ये सभी समीकरण नए से लग रहे हैं, तो इस बार के चुनावी दंगल में दांवपेच भी अलग होंगे। जेडीयू ने तो अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हर घर दस्तक कार्यक्रम की शुरुआत की। खुद मुख्यमंत्री बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचे और पटना सिटी में अभियान की शुरुआत की, जहां वो 10 घरों में गए। जैसा आपको बता दें कि विपक्ष नेता नंद किशोर यादव का ही क्षेत्र है और पार्टी ऐसा ही अभियान 10,000 जगहों पर और चला रही है, और बाकी जगहों पर मंत्री और पार्टी के नेता अभियान से जुड़ेंगे। तो पहले चरण में अभियान 11 जुलाई तक चलेगा और करीब 3 करोड़ लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। वैसे यहां आपको यह भी बता दें कि जेडीयू के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार और कैंपेन की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने ली है, जो 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान को देख रहे थे, चला रहे थे। देखते हैं बीजेपी की रणनीति इन सब मामलों के बाद या इन सब कोशिशों के बाद कितनी अलग होती है। तो आज न्यूज पॉइंट में चर्चा इसी चुनावी बिगुल पर, और बहुत सारे सवाल भी हैं जिस पर हम आज नजर डालेंगे कि क्या है बिहार की राजनीति हकीकत, लालू और नीतीश का साथ कितना स्थायी होगा, क्या मांझी प्रयोग नीतीश को चोट पहुंचाएगा, क्या बिना जेडीयू कुछ कमाल कर पाएगी बीजेपी, क्या मोदी का जलवा यानी नरेंद्र मोदी का जलवा विधानसभा में भी दिखेगा, या किसी सीएम पद उम्मीदवार के साथ बीजेपी को आगे बढ़ना होगा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं नीतीश कुमार के चुनावी अभियान की शुरुआत पर। राजधानी पटना की ऐतिहासिक पटन देवी की पूजा अर्चना से चुनावी मुहिम हर घर दस्तक का आगाज करते नीतीश कुमार, फिर साथ ही लगे पटना सिटी के इलाके पश्चिम दरवाजा में लोगों से मिलने उनके बीच जा पहुंचे। पूरे बिहार में हमारे पार्टी के सभी साथी अधिकतम घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों तक लोग पहुंचेंगे। ये इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है, जहां से बीते 5 बार से विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव जीत रहे हैं। फिर भी जेडीयू के रणनीतिकारों का मानना है कि विपक्ष के गढ़ से मुहिम की शुरुआत कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा। मुहिम की शुरुआत करीब 15,000 जगहों पर हुई और 1 महीने में 1 करोड़ घर और 3 करोड़ लोगों से संपर्क का लक्ष्य रखा गया है। ये घर घर दस्तक देने का जो उन्होंने नारा चुना है, यह नारा ही बन के रह जाएगा। ना तो उनके पास कार्यकर्ता हैं, ना उनके इतने समर्थक हैं कि वो घर घर तक पहुंच सकते हैं। आने वाले दिनों में अब बीजेपी भी गांव गांव जाकर नीतीश लालू गठबंधन के खिलाफ वोटर्स को जागरूक करेगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ संजय सिंह हैं, पॉलिटिकल एडिटर फर्स्ट पोस्ट के। इसके अलावा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं GVL नरसिम्हा राव, प्रवक्ता बीजेपी के, राजनीति प्रसाद, नेता RJD, और हरिवंश, सांसद JDU के। हरिवंश जी, सबसे पहले आप ही से हम सवाल पूछेंगे। काफ़ी आक्रामक तैयारी दिख रही है और जो कैंपेन मैनेजर या कैंपेन रणनीति तैयार करने वाले हैं वो 2014 के जो चुनावी लोकसभा के चुनाव थे वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं JDU के लिए। क्या इस बार नीतीश कुमार के बारे में जैसा कि कहा जा रहा है वो थोड़े से नर्वस हैं? दरअसल पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आक्रामक तैयारी नहीं है, बल्कि अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाने का ये एक ऐतिहासिक पहल इसको मैं मानता हूं। लोगों के बीच जाना, अपने काम के बारे में बताना, एक खास समय में एक साथ 10,000 घरों तक पहुंचने का लक्ष्य और 1 करोड़ घरों तक जाने का लक्ष्य, 3 करोड़ लोगों तक पहुंचना, एक समय के तहत ये सारी चीजें तय हुई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति का मूल मकसद है लोगों से संवाद, लोगों के बीच जाना, अपने काम के बारे में उनसे पूछना, उसकी परख लेना,
और उनके पक्ष और विपक्ष दोनों जिस तरह के मत है उसको सुनना, ये साहस राजनीति में कम लोग करते हैं और वह इस प्रयास से आपको दिखेगा। लेकिन आक्रामक न भी कहें हरिवंश जी, आक्रामक न भी कहें लेकिन ऐतिहासिक तो शायद नहीं कहेंगे। 2014 में इसी तरह के संपर्क अभियान हमने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के भी देखे थे। मैं बिहार के संदर्भ में कह रहा हूँ खुले रूप से लोगों के बीच जाना। नरेंद्र मोदी जी का अपने ढंग का अलग प्रचार था, लेकिन कार्यकर्ता इस तरह से लोगों के बीच जाए और चीजों को जाने। जैसे मैं एक चीज आपसे अपना अनुभव कहना चाहूंगा, मैं उन इलाकों में गया, बिहार के बहुत चप्पे चप्पे इलाके में मैं बहुत घुमा हूं, जहां पर सामाजिक तनाव जिस तरह की स्थिति मैंने देखी है, नक्सल आंदोलन देखा है 80s में 90s में। उन इलाकों में जाना और देखना कि कैसे लोगों के एस्पिरेशंस बदल गए हैं, अब वे क्या चाहते हैं। बिल्कुल समाज के जो हम कहते हैं कि नीचे के वर्ग के लोग हैं, आज वो किस तरह की भाषा बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए। जो 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 पहले स्थिति थी उसे बिल्कुल एक अलग दृष्टि से चीजों को रखते हैं। कहते हैं कि हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं आई। जिन हाथों ने पहले बंदूक उठाया, जिन हाथों ने प्रतिरोध किया, संघर्ष किया, आज वहां 10 वर्षों में ये हालात है। तो एक बड़ी चीज जानने को मिलता है कि बदलाव क्या हुआ है, साथ यह भी कि कहां कमी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये भी आरोप है अरविंद जी कि जब से गठबंधन टूटा है उसके बाद से कुछ भी ऐसी ठोस योजना आप लागू नहीं कर पाए, और जो अभी योजनाओं के लागू करने की बात जो रिपोर्ट हम देख रहे थे वो भी बहुत सारे ऐसी योजनाएं थी जो जीतन राम मांझी ने लागू करवाने की कोशिश की तो नीतीश जी ने उसका विरोध किया था। ऐसा नहीं है, बहुत सारी योजनाएं नीतीश जी ने बीजेपी से अलग होने के बाद उसी तरह से बहुत तेजी से आगे बढ़ाई है। सड़कों का बनना, कानून व्यवस्था की अलग स्थिति है उसको बेहतर बनाना, साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए 27% का आवंटन है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, शायद देश की किसी अन्य राज्य में ना हो। इंस्टीट्यूशंस को बनाना, बिहार में किस तरह से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एजुकेशन के क्षेत्र में आ, इसकी लगातार कोशिश, गवर्नेंस को लगातार ठीक करने की कोशिश, ये निरंतर चलता रहा ठीक है। हाँ, अभी जो लगातार फैसले और उन्होंने किए हैं वो प्रो पीपल फैसले हैं, इस पर विपक्ष का अपना स्वर है कहने का वो कहेंगे, लेकिन इसको नीतीश जी के काम की निरंतरता से आप जोड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे एक दृष्टि है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। चलिए, और भी सवाल हैं, और भी मुद्दे हैं, लेकिन इसी पर एक अगला सवाल जीवीएल आपसे पूछना चाहेंगे। जो नारे अभी पटना में दिखाई दे रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, फिर एक बार नीतीश कुमार जैसा नारा जो है वो कई सारे जुमले वहाँ पटना में देखने को मिल रहे हैं, जो अब की बार मोदी सरकार से मिलता जुलता लग रहा है, ऐसे में बीजेपी अब क्या नया नारा लेकर आएगी, जबकि उन्हीं के तर्ज पर नारा अब जेडीयू लेकर निकल पड़ी है चुनावी मैदान में। क्रांति जी, आप जानते हैं इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, नकल करना किसी का उनकी उनके सबसे बेहतरीन प्रेज करने से बराबर होता है। जो 2014 के लोकसभा चुनाव में जो हमारी जो नारा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो नारा था, हर हर मोदी घर घर मोदी, उसी का एक नकल किया गया। तो बहुत प्रभावित है नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन से नीतीश कुमार, और उनको शायद ये लग रहा है नकल करने से हम वैसे ही हम सक्सेस पा सकते हैं। बट लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए पूरे देश भर में पहली बार कैंपेन कर रहे थे, और यहाँ नीतीश कुमार जी 10 साल से वह मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, और यदि जनता के साथ जुड़ने की आपको उनको आज जरूरत समझ में आ रही है, इससे एक बात वो कबूल कर रहे हैं कि हमारी जनता के साथ हमारी कोई संपर्क नहीं बन पाई 10 साल तक, हम पहली बार जनता के पास जाकर के हमारे कामकाज के बारे में हम जानकारी देंगे, ये अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक एक्सेप्टेंस है उनका काम। उनके कार्यकाल में उन्होंने सही काम नहीं कर सके, तो ये अपने आप को मुझे ये लगता है इससे कबूल कर रहे हैं कि हमारी जो प्रोग्राम्स है, हमारी गवर्नेंस है, वो जनता तक नहीं पहुंची है। ऐसे कन्विक्शन, ऐसे कोई कन्फेशन को
जनता किस प्रकार लेगी, आप खुद ही इसका अंदाज लगा सकते हैं। राजनीति जी के पास जाएंगे, लेकिन संजय जी आपसे हम एक इसी पॉइंट से जुड़ा एक पहलू आपसे समझना चाहेंगे। शुरू में लग रहा था कि बीजेपी या नीतीश की जो तैयारी है वहां पर हो सकता है दोनों ही पार्टियां थोड़े से नर्वस थे अपने सहयोगियों को लेकर, अभी की स्थिति आपको क्या लग रही है? देखिए अभी की स्थिति जो बैटल लाइन्स हैं वो क्लियर है कि एक तरफ नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं और उनके साथ कांग्रेस है। संभव ये भी है कि आने वाले समय में हो सकता है, अभी तक लेफ्ट कह रही है कि वो अलग लड़ेगी, एनसीपी और वो भी साथ में आ जाए। दूसरी तरफ स्थिति है बीजेपी है, एलजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा है, ये तीन तो फॉर्मेशन है, साथ में जीतन राम मांझी भी होंगे, तो ये फॉर्मेशन क्लियर है। अभी जो नया कैंपेन शुरू हुआ है, जो नीतीश जी ने कैंपेन शुरू किया है, मुझे लगता है वो ऐतिहासिक इस संदर्भ में हो सकता है कि जेडीयू ने शायद पहली बार अपने तौर पे किया हो, क्योंकि देखिए राजनीति में घर घर जाना ये परंपरा काफी समय से हो रही है। जेडीयू के साथ समस्या ये थी कि बहुतायत में जो वर्कफोर्स है, जो काडर है ग्राउंड पे, वो या तो बीजेपी का होता था या पहले लालू प्रसाद यादव के साथ थे तो उनका था। नीतीश जी का जो परसोना है, जो हवा के साथ नीतीश जी के साथ ज्यादा मतलब वोटर आते हैं बनिस्पत की सोशल कंस्टिट्यूएंसी, हर पार्टी का जो एक डेडिकेटेड जो कैप्टिव जिसे सपोर्ट बेस कहते हैं, जाति के आधार पर या बाकी चीजों के आधार पे एक नया एस्पिरेशनल क्लास भी वहां पे आया है। हरिवंश जी बहुत विद्वान आदमी है, मतलब राजनीति के क्षेत्र में मतलब वो आए हैं। जो चीज आप कह रहे हैं कि लोगों में एक नई तरह की चीज की, हमारा स्कॉलरशिप क्यों नहीं आया और हमारे पास ये रोड क्यों नहीं आया, नाली क्यों नहीं बना, देखिए एक जो संभावनाओं और उम्मीदों की क्रांति पूरे देश में हुई है और बिहार में वो काफी कर बिहार का इंटरेक्शन देश के बाकी भागों में किसी स्टेट से ज्यादा है। वो ग्राउंड पे हर समय हर जो बिहार में रहने वाला या बाहर से जाकर के जो प्रवासी है उसको ये लगता है कि हमारे पास वो विकास का जो पैटर्न है वो क्यों नहीं हो रहा है। जो ये चुनाव अभियान है उसमें अगर आप देखेंगे, एक तो मोदी का जो चुनाव प्रचार है जैसा आप कह रहे थे उससे काफी कुछ वो प्रभावित है, क्योंकि उनके साथ जो व्यक्ति हैं वो मोदी के चुनाव में एक उनकी मतलब वन ऑफ दो जो प्रमुख भूमिका निभा रहे थे उसमें से हुए थे, लेकिन साथ में अरविंद केजरीवाल का जो चुनाव प्रचार है उससे भी काफी प्रभावित है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के साथ नीतीश जी की अब काफी वो दोस्ती है, तो आप देखेंगे जिस तरह से केजरीवाल का भी वो चुनाव का नारा था, केजरीवाल ने भी मोदी के चुनाव प्रचार से जो अच्छी चीजें थी वो ली थी और उस बीच में उन्होंने घर जाने का वो किया था। एक चीज जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि क्या जेडीयू के पास इतना बड़ा काडर स्ट्रेंथ है कि वो घर घर जा पाए, देखिए उसमें दो चीज होती है, जब कार्यकर्ता घर जाता है तो उसे एक फीडबैक मिलता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। नीतीश जी के पास अगर निगेटिव फीडबैक आता है घर जाने पर, तो उसके लिए मुझे लगता है करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए अब समय बचा नहीं बचा है। तो लेकिन घर जाने से कम ये होता है कि कुछ लोगों की जो वो नाराजगी होती है, बाकी चीजें होती है, वो जरूर दूर होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो चुनाव का एक जो आज का मेथड है और एक जो कन्वेंशनल मेथड है, दोनों को वो समाहित करने का वो कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में वो कास्ट कॉम्बिनेशन किसका कैसे वर्क करता है, क्योंकि एक चीज ये हुआ है जो होर्डिंग्स और पोस्टर्स हैं उसमें सिर्फ नीतीश जी का चेहरा है, उसे आरजेडी का कैडर कैसे लेता है, मतलब आरजेडी का जो सपोर्ट बेस है वो उसको कैसे लेता है, क्योंकि वो बहुत इस चीज से इनामड नहीं है कि पूरी के पूरी तौर पर ये नीतीश सेंट्रिक है, क्योंकि उनका वर्कर स्ट्रेंथ और जो कैप्टिव सोशल बेस है वो आरजेडी का बड़ा है, भले ही वो कम हुआ हो, क्योंकि लालू यादव जी बिल्कुल वो सवाल नहीं लड़ रहे हैं, वो उठ भी रहा था। आपके पास आएंगे राजनीति प्रसाद जी, कि यहाँ जो सवाल बार बार पूछा जा रहा था जब से लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को कहा कि हाँ वही सीएम होंगे, उसके बाद यादव वोट बैंक के बारे में कहा जा रहा था कि वो शायद ना एक्सेप्ट करें नीतीश कुमार को, जिस तरह से उम्मीद लालू यादव और नीतीश कुमार खुद कर रहे थे, ऐसा होगा क्या? किसे पूछ रहे हैं आप? जी राजनीति प्रसाद जी आप, हाँ देखिए यादव एक तरफा वोट, अब ये नीतीश कुमार को जाने वाला है एक तरफा, और किसी में अब इसमें किसी तरह का इफ एंड बट नहीं है। लालू यादव बिल्कुल अब ऐसा गोलबंद कर दिया है लोगों को कि एक भी वोट इधर से उधर नहीं होने वाला है, सब नीतीश कुमार को वोट मिलेगा। जहां तक ये सवाल है कि होर्डिंग और घर घर जाकर के, तो ये प्रचार तो रहा है लोगों का, और नीतीश कुमार का जो प्रचार है वो पहले से भी रहा है,
और उन्होंने जो काम किया उसका प्रचार पहले से भी रहा है और हम लोगों का भी नारा रहा है, समाजवादियों का भी नारा है कि गांव की ओर जाओ, घरों के जाके मिलो, चौपाल करो, बैठक करो, ये सब तो कार्यक्रम हम लोग का चलता ही है। अगर नीतीश कुमार ने ऐसा काम किया है तो अच्छा काम है कि घर घर जाकर के लोगों को बताइए और हर एक कार्यकर्ता को 10 घर जाने का अनुमति मिला है। तो इस तरह का कार्यक्रम अगर वो कर रहे हैं, अपना होर्डिंग लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है। राजनीति जी, यहाँ पर एक चीज जो सवाल उठ रहा है कि यहाँ जितने भी होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं कहीं पर भी लालू यादव का जिक्र नहीं है, ऐसे में क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर नीतीश जी और उनके साथ में तस्वीरें होती? लालू यादव का पोस्टर लालू यादव के लोगों के पास दिल में है। अब वो लालू यादव का पोस्टर की उतनी जरूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार के पोस्टर लोगों के दिल में नहीं है? तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का पोस्टर लोगों के दिलों में नहीं है, इसलिए उनको पोस्टर लगाना पड़ रहा है? नहीं, दिल में है, उनका भी पोस्टर दिल में है, लेकिन अगर वो नेता हैं, तो अपने तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं। लालू यादव का होर्डिंग नहीं है, लालू यादव का होर्डिंग बहुत लगा, अब लोगों के दिल के अंदर में होर्डिंग आ गया है। लालू यादव का नक्शा, लालू यादव का होर्डिंग हर गांव के लोगों के, हर लोगों के दिल में है, शोषितों, पीड़ितों, दलितों के दिल में बसा हुआ है होर्डिंग। अब उनको उतना होर्डिंग की जरूरत नहीं है जितना होर्डिंग की जरूरत और लोगों को है। तो फिर ऐसा क्यों सवाल फिर उठता है कि जो लालू, या आप तो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप इत्मीनान हैं कि सारा यादव वोट मिलेगा नीतीश कुमार को, लेकिन ऐसा क्यों फिर सवाल उठ रहा है कि जो यादव वोट्स हैं, हो सकता है कि वो उन नीतीश कुमार के लिए वोट ना करे जिनसे अभी तक लालू प्रसाद यादव लड़ते रहे? ना, वो सब गया मामला। नीतीश कुमार को नेता माना है और अभी भी लालू यादव अब जो कहेंगे वो एक तरफा वोट उनका जाएगा नीतीश कुमार को, एक तरफा, इसमें कहीं दो राय इफ एंड बट नहीं है। आप ये देख लीजिएगा, किसी के कहने से कोई वोट इधर से उधर होने वाला हम लोगों का नहीं है। तो फिर आप एक तरफा मतलब साथ में निकल पड़े हैं नीतीश कुमार के, आप लालू प्रसाद यादव, आरजेडी की कुछ उम्मीद नहीं है इस गठबंधन से क्या? क्या उम्मीद है? हमारे भी लोग जीतेंगे, उनके भी लोग जीतेंगे, उम्मीद क्यों नहीं है? हमारे लोग भी जीतेंगे और नीतीश कुमार के लोग भी जीतेंगे, गठबंधन के लोग जीतेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस के लोग भी जो जीतेंगे और वे एनसीपी के लोग भी जीतेंगे, सब लोग गठबंधन का जितना भी लोग है वो पूरी मेजोरिटी के साथ आएंगे। आपको बताते हैं, किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है, मेजोरिटी के साथ आएंगे और हमारी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री होंगे, ये पक्का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। काफी आप इत्मीनान लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि जो गठबंधन है वो आगे इसी तरह सुचारू तरीके से चलेगा। जीवीएल, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आरजेडी ने जो पहले आशंका या संशय या अनुमान लग रहा था कि क्या लालू प्रसाद उन्हें समर्थन देंगे या नहीं, वो जब अनाउंस हुआ, अब पूरा गठबंधन नीतीश कुमार के पीछे खड़ा है, लेकिन एक नाम या ऐसे उम्मीदवार का नाम घोषित करे बीजेपी या एनडीए, ऐसी भी उम्मीद की जा रही थी, क्या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बीत गया। राजनीति जी, जीवीएल से सवाल था, उन्हें खत्म करने दीजिए जी। हाँ, बात करें क्रांति जी, भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री के रूप में किसी को प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है, वो एक रणनीति के तहत, एक रणनीति का एक हिस्सा है। कुछ राज्यों में जहां हमने प्रोजेक्ट नहीं किया था, आप महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, झारखंड का उदाहरण लीजिए, हरियाणा का उदाहरण लीजिए, वहां हमने किसी मुख्यमंत्री उम्मीदवार को प्रोजेक्ट नहीं किया था, उसके बावजूद हमें भरपूर समर्थन जनता का मिला था। और इन सभी राज्यों में हमारी जो विरोधी दल थे वो यही इस प्रकार के दावे करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार तक नहीं, पार्टी तय नहीं कर सकती है, हमारे पास बड़े बड़े हस्तियां हैं, पृथ्वीराज चौहान है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इस प्रकार की जो दावे करते रहे, बट लेकिन अंत में जनता ने जब उनके जनादेश सुनाया, तब वो जो सभी राज्यों में जनादेश हमारे पक्ष में गया था। तो इसलिए वहां किसी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करना है नहीं करना है, अंतिम निर्णय पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी, बट लेकिन अभी तक जो
अभी जो संकेत है, अभी जो चर्चा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा शायद पहले नहीं करेंगे, ऐसा एक राय अभी बन चुका है।